दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि 2023 से 24 का नया वोटर लिस्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नया वोटर लिस्ट यहां पर आ चुका है, यानी ऑल स्टेट का आप न्यू वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि 2023 से 24 का नया वोटर लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो न्यू को वोटर वोटर लिस्ट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है ECI। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में एक वेबसाइट मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा, मेन्यू का ऑप्शन। आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। आपके सामने काफी सारे सर्विसेज देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, लिंक टू PDF ई रोल का ऑप्शन। आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ऑल स्टेट आ चुका है, यानी कि दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है वो स्टेट देखने को मिल जाता है। तो आपको जिस भी स्टेट का न्यू वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है उस स्टेट के ऑप्शन में एक बार आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको अपना असेंबली को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पार्ट नंबर और नेम का ऑप्शन मिलता है। तो जो भी आपका पार्ट नंबर या नेम है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां से आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। जैसा भी कैप्चा कोड रहेगा उसी तरीके से यहां पर आप इंटर कर देंगे। कोड फिल करते ही दोस्तों यहां पर शो का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहां पर आपका वोटर लिस्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा डाउनलोड भी हो चुका है। चलिए ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करते दोस्तों इस तरह से आपका पूरा वोटर लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर फोटो अभी उपलब्ध नहीं किया गया है, लेकिन जैसे यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा वैसे यहाँ पर आपको हो सकता है कि फोटो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू वोटर लिस्ट किसी भी स्टेट का आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के भी साथ शेयर करना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।